गलती तुम्हारी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें मौका दिया। वंश राय सिंघानिया जिसकी जिंदगी में आता है ना, उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। जिंदगी नाम ही सरप्राइजेस का है। कई बार हम कुछ और प्लान कर रहे होते हैं और जिंदगी कुछ और। पता है सेजल, दुनिया में ना सिर्फ एक चीज होती है जो बेवजह होती है, गपबाजी। बाकी लाइफ में हर बात के पीछे ना कोई वजह जरूर होती है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी हम उस वजह को देख लेते हैं, कभी देख नहीं पाते। आई थिंक डेस्टिनी से ही कहते हैं। चुप बे, ये डेस्टिनी वेस्टिनी ना सब अपर क्लास लेवल के लिए। हम जैसे की बुक में ना तो ये चैप्टर ही नहीं होता है। नहीं तो खुद बता क्या वजह रही होगी। हमें पैदा करने वालों ने एंटरटेनमेंट तो कर लिया और हमें छोड़ दिया अनाथों की लाइफ जीने के लिए। कुछ तो मजबूरी रही होगी सेजल, वरना जिसे 9 महीने पेट में रखा उसे 9 दिन बाद ही घर के बाहर ऑर्फनेज की सीढ़ियों पर कोई क्यों रखता। बस एक बात कंफर्म है कि भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं ना तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलते हैं। यार सेजल, हम टूट भी तो सकते थे, पर नहीं, हमें लड़ने की ताकत आई। और देख, आज तू सक्सेसफुल पार्टी प्लानर है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज प्लान करती है, और मैं एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट, और क्या चाहिए। चल, इतना नहीं सोचते, आजा। इट्स ब्यूटीफुल यार, है ना। यार पेरेंट्स का मतलब तो मैं कभी समझी नहीं, पर प्यार का मतलब मुझे कबीर ने सिखाया। पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो फीलिंग कि कोई आपके साथ है, हर लड़ाई में, हर हार में, हर जीत में, थ्रू आउट योर जर्नी। और आज इसी फीलिंग को ना मैं हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ, कबीर को प्रपोज करके। ओ मैम जूलियट, तू ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, किसी भी ऐसे बंदे को सेट कर सकती थी जिसकी सैलरी में 6 डिजिट होता, या फिर कोई बिजनेसमैन। पर तूने किसे चूज किया? ये पीटी टीचर को। इडियट दिमाग से सोचते हैं, दिल से प्यार किया जाता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। यार पैसे से बड़ी वो सिक्योरिटी है, वो प्यार है, वो जिंदगी भर की लॉयल्टी है जो जो कबीर मुझे फील कराता है। यार घर वाली फीलिंग देता है मुझे, सिंपल है, शांत है, सीधा है, फैमिली मैन टाइप बदला है, एकदम हार्मलेस है, वैसा जैसा मुझे चाहिए था। तो मेरे पीटी टीचर, आज से आपके साथ एक सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड और नॉन एडवेंचरस लाइफ की शुरुआत करने वाली हूँ मैं। कौन कहता है जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं मेरी लाइफ में, एक मेरी रितिमा और दूसरा मेरा देश। आप जैसे ऑफिसर पर पीटी टीचर, मैं जानता हूं कि आप भाभी को, आई मीन रितिमा को डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आप एक सीक्रेट एजेंट हैं, पर फिर भी सर पीटी टीचर, आई मीन ये भी कोई प्रोफेशन हुआ, कुछ अच्छा सोच लेते ना।
बाय द वे सर, एक सजेशन दूं, आज उस वंशराज सिंघानिया को पकड़ने के बाद भाभी को सब सच बता देना। वंशराय सिंघानिया मेरी जिंदगी का मकसद है। एजेंट कबीर, वी आर रेडी। ओके, जीना चाहता है तो गवाही देने के लिए तैयार हो जा। तू ये कहेगा कि ये सारा माल वंश का है, बोल, बनेगा विटनेस? आपकी बात मानी तो जिंदगी मिलेगी, लेकिन सांप के खिलाफ गया तो जिंदगी होते हुए भी वो मुझे जीना नहीं देंगे। ए, 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 मुँह खोल, मुँह खोल। वंशराय सिंघानिया कब तक? रेड में क्या हुआ? किसी ने जबान नहीं खोली, हामिद ने साइनाइड खा लिया। बट उस इंस्पेक्टर को मालूम था, वो आपका नाम ले रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कबीर को लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वंश कभी हारता नहीं। वंश राय सिंघानिया जिसकी जिंदगी में आता है उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। या तो वो मुझसे मिल जाता है या फिर ऊपर वाले से। बॉस, आर यू ओके? एक लड़की मरना चाहती थी, बच गए। एक बार के लिए लगा मैं मर ही गई, पता नहीं कौन था। कबीर, ये चोट कैसे लगी? कबीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ नहीं रिधम, आइए। हमारी टीम वॉलीबॉल मैच हार गई, तो बस मैं थोड़ा अपसेट हो गया तो उसी में लग गई। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। इट्स ओके, इट्स ओके रिधमा। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? दैट्स इम्पोर्टेंट। आर यू फाइन? या, आई एम फाइन। और वैसे भी जहाँ तुम होते हो ना, वहाँ सब अपने आप ही ठीक हो जाता है।
कबीर, सिवाय तुम्हारे तुमसे मिलने के बाद जिसे सोचा वो तुम हो, जिसे चाहा वो तुम हो, और जिसके सपने देखे वो भी सिर्फ तुम ही हो। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शरीर के साथ आत्मा रहती है। मैं तुम्हारे साथ एक खूबसूरत सी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, जिसमें तुम हो, मैं हूँ और हमारा प्यार हो। मैं, पता है, रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए चाय बनाते हुए तुम्हारी आंखों में अपने आप को देखना चाहती हूँ, और तुम्हारी टाई बांधते वक्त तुम्हारे सीने पर सर रखना चाहती हूँ, और तुम्हारी धड़कन में सिर्फ और सिर्फ अपना नाम सुनना चाहती हूँ। कबीर, मैं अपने आप को तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनते हुए देखना चाहती हूँ, अपने आप को मैं से हम में बदलते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ नहीं बोलना है तो जगह खाली करो। मैं बोलता हूँ हाँ, मैं करूँगा मैम से शादी। यार I love you कबीर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। I love you so much। I love you too। I love you too। रिद्धिमा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना लकी हूँ कि तुम जैसी लड़की मुझसे प्यार करती है। And this, I'm sorry। रिद्धिमा, sorry। कबीर सर, एजेंट नेहा आज रात वंश की पार्टी में जाने के लिए तैयार है। वंश उस पार्टी की आड़ में हीरो की तस्करी करने वाला है, आपको जल्दी आना होगा। क्या हुआ कबीर? कुछ नहीं। Everything all right? क्या हुआ? मैं तुम्हें, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बस आज शाम तक। I promise, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, और तुम्हें एक ऐसी भी बात बतानी है जो तुम नहीं जानती हो। क्या बताना है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं। What? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रिद्धिमा। एक काम है जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं आज रात तुम्हें जरूर मिलूंगा, ओके? कभी कभी रातें बहुत लंबी हो जाती है कबीर, और जिंदगी छोटी। अगर मैं मर गई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। प्लीज मेरा इंतजार करना। ठीक है, तो सेम टाइम सेम जगह जहां अक्सर मिला करते हैं, भूलोगे नहीं ना? ये वादा रहा मेरा, और तुम जानती हो रिद्धिमा, मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन जब करता हूं तो उसे तोड़ता नहीं हूं।
हाँ सेजल। यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने एक ही दिन में दो बुकिंग्स कर दी हैं और अब एक ही वक्त पे मैं दो जगह पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी यार, तू आज वंशराज सिंघानिया के बीच पार्टी पे चली जा। इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। नहीं 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 सेजल देख मेरी बात सुन, मैं आज कबीर से मिलने वाली हूँ, वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला है, मैं नहीं जा सकती हूँ पार्टी में। तो पार्टी के बाद चले जाना। मेरी रेपुटेशन का सवाल है यार, तुझे तो पार्टी प्लानिंग का एक्सपीरियंस हो ही चुका है मेरे साथ रहते रहते। कबीर जा कहाँ रहे, वो तो यही है। प्लीज मना मत कर, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। चल मैं रखती हूँ। कहाँ फंसा दिया इसने, कहाँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट, कहाँ पार्टी प्लानर, हे भगवान। और क्या नाम बताया उसने, वंश राय सिंघानिया। आपने जो वहाँ पर लाइट्स लगाई है वो पीछे की तरफ लगानी है। आप लोग बहुत टेंशन दे रहे हो, प्लीज़ सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए। और ये सिर्फ वाइट फूल क्यों लगाए हैं, कितने फीके लग रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ वाइट फ्लावर्स है ना वहाँ आप और भी कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए, ठीक है। ओके मैम। सिंघानिया की पार्टी है ये। आने से पहले सर्च कर लेती कि डिसऑर्गेनाइज्ड लोग और हरकतें दोनों से चिढ़े। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड क्या लग रहा है। हर एक वो फूल जो सफेद नहीं, अकेले सफेद रंग में ही ग्रेस है। बैक टू डिफर सर, अकेलेपन में मायूसी है, पेन है, जो मे बी आप वो देख ना पाते हो मगर मुझे दिखता है। किसी भी रंग के साथ जब सफेद रंग जुड़ता है तो वो उस रंग को ग्रेस और दूसरा रंग सफेद रंग को जिंदगी देता है, और ये फूल जैसे है ना मुझे पसंद है। बस यहाँ पर एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, वो है आपका टोन। सुधारने की जरूरत उसे है। जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है ना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो आपकी प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन है जिसे डेकोरेशन अच्छी नहीं लग रही है। मैं। तो सुलगते रहिए आपको नहीं पसंद तो, क्योंकि ये डेकोरेशन ना सबको पसंद है, मुझे पसंद है, इन्हें पसंद है, उन्हें पसंद है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी ओनर को भी पसंद है। तो आप कौन होते हो जबरदस्ती की फुटेज लेने वाले। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हर कोई आके अपनी चलाएगा तो कैसे चलेगा, पता नहीं समझता क्या था वो। वंश राय सिंघानिया, ओह नो, मतलब गॉड,
कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, ओनर से ही बढ़ गई। हे भगवान, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। Is it a joke? Relax, Mr. Chang. अरे भैया बहुत महंगा आवाज से संभाल के। रुको मैं करती हूँ। जो सबूत चाहिए थे वो मिल गए। कीमती वस्तु थी, वो खड़ूस में छोड़ेगा नहीं मुझे। मैडम आपको बाहर बुलाया है। किसने? साहब ने। जल्दी जाइए, बहुत गुस्से में हैं। लगता है उन्हें पता चल गया।
आपने बुलाया सर? झूठ बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए आंखों को नहीं चुभता लेकिन दिल को बहुत चुभता है। पर गलती तुम्हारी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें मौका दिया। She came, she saw, she deceived. मैडम आपको बाहर बुलाया है। किसने? साहब ने। जल्दी जाइए, बहुत गुस्से में हैं। लगता है उन्हें पता चल गया। तुमको क्या लगता है इतना महंगा वास तोड़ के चुपचाप निकल जाती तुम, और उसका हर्जाना क्या मैं अपनी जेब से भरता? तेरी हेल्प के चक्कर में मैं मरने वाली हूँ सेजल, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। कबीर, सर आपको नहीं भरना पड़ेगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, आप बस मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं आती हूँ। ठीक है, क्या लगा था तुम्हें वंश राय सिंघानिया को धोखा देना इतना आसान होगा? तुम्हें पता है लोग उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, पर मैं चिड़िया के उड़ने से पहले ही उसके पर काट देता हूं ताकि वो मेरे सामने उड़ ही ना पाए। यू नो, एक डांसर और एक कॉप की चाल में बहुत फर्क होता है। एंड ऑफ कोर्स ये किसी पुलिस मैनुअल में तो नहीं लिखा होगा, राइट? पार्टी में जिस तरह तुम मेरी तरफ चल के आई ना, तुम्हारी चाल ने एक सेकंड में तुम्हारी सच्चाई खोल के रख दी। ये लॉकेट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। किसी जमाने में लॉकेट्स में तस्वीरें रखी जाती थी खूबसूरत यादों के लिए, लेकिन आजकल इन लॉकेट से तस्वीरें खींची जाती हैं नॉट सो खूबसूरत यादें बनाने के लिए। मैं जानता था कि चैंग के साथ डील करते वक्त तुमने इसी लॉकेट से मेरी तस्वीरें खींची हैं। फॉर डेफिनेट प्रूफ, राइट? कबीर, तुम यहाँ कैसे हैं रिद्धमा? क्या बताऊँ, वो सेजल की जगह उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज करने आई थी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पार्टीज हेट करते हो ना, ये यहाँ किसी बहुत ही बिग शॉट की पार्टी चल रही है। रिद्धमा, लिसन टू मी, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, बट राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें क्या हो गया है कबीर? सुबह जब तुम्हें प्रपोज किया तुम वहाँ से चले गए, अभी मुझे जाने के लिए कह रहे हो? जब तक तुम बताओगे नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिद्धमा, तुम बिना सवाल किए मेरी बात नहीं मान सकती क्या? रिद्धमा, I'm really sorry. मुझे चीखना नहीं चाहिए था, बट प्लीज आई नीड यू टू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, हमारी स्पेशल वाली जगह पर, सेम टाइम सेम प्लेस, रिमेम्बर? और तुम्हारा प्रपोजल भी तो एक्सेप्ट करना है मुझे, बट प्लीज अभी मैं जैसा कह रहा हूँ प्लीज वैसा करो, गो राइट नाउ।
नेहा, look at me, come on, आके खोलो नेहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, okay? stay with me, okay? कबीर, या, क्या? मैं हार गई, it's over. Make sure कि तुम उस वंश को पकड़ोगे. You didn't fail, okay? Just look at me, keep your eyes open. पिंगले, पिंगले, come in. नेहा, मुझे आज दुख है कि मैं हार गई. I just hope कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसको उसकी ऊंची उड़ान से काट कर उसे जमीन पर लेकर आएगा. नेहा, आंखें खोल, नहीं आंखें बंद नहीं करना है. सॉरी नेहा, तुम्हें नहीं बचा पाया मैं, लेकिन अब कौन हमारी मदद करेगा उसे पकड़ने में. फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.